क्या आपको पता है आपका ब्रेन कितना सेंसिटिव है? क्या आपको पता है आपके ब्रेन में कैसे एडिक्शन लगता है? क्या आपको पता है आपके ब्रेन में गलत संस्कार कैसे बनता है? अगर आपका ब्रेन नेगेटिवली रीवायर हो गया है तो उसे डेफिनेटली पॉजिटिवली भी रीवायर कर सकते हैं, जिसके बारे में रिसेंटली मेडिकल एक्सप्रेस ने भी बोल दिया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विज्ञान है। एक एक मिनट आपका बेहद कीमती है, इसीलिए इस साइंटिफिक प्रेजेंटेशन को बड़े केयरफुली देखिए, जिसे जानकर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर विश्व सेवक। नमस्कार। ब्रेन काम कैसे करता है, ब्रेन रिवायरिंग प्रोसेस होता कैसे है, ये आज हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है। हम सभी बदलना चाहते हैं और एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और बदलाव के लिए सबसे पहले उसका कारण जाना प्रॉब्लम का, और फिर उस प्रॉब्लम के कारण का निवारण जानना। जैसे आप देख रहे हैं, सीधे हाथ में ये जो लड़का खड़ा है, ये एक सुनसान जगह में फंस गया है। अब इसको बाहर निकलना है यहाँ से, तो एक तो इसको रोशनी चाहिए जो दिखा सके कि कौन सा रास्ता बाहर निकलता है, और दूसरा उसको हिम्मत चाहिए कि वो बाहर निकल सके, उसके पाँव में इतनी ताकत हो कि वो बाहर निकल सके। तो जो ज्ञान है वो हमें रोशनी देता है कि रास्ता कौन सा सही है, और जो ब्रेन रिवायर है वो हमें ताकत देता है कि हम उस रास्ते पर चलकर बाहर निकल सके। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम शुरुआत भी ब्रेन से होती है और ठीक भी वहीं पर करना होता है। ब्रेन में न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कोशिकाएं एक सर्किट बनाती हैं, और इन सर्किट से ही सब काम होता है। इसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। ब्रेन में दो मुख्य सेंटर होते हैं, एक होता है इमोशनल सेंटर जिसको अमिग्डाला कहते हैं, एक होता है लॉजिकल सेंटर जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इमोशनल सेंटर में हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो पैदा होती हैं, और लॉजिकल सेंटर वो ब्रेन का है, वो हिस्सा है जहां से सही गलत की समझ, क्या सही है क्या गलत है। इमोशनल ब्रेन सुख चाहता है, लेकिन वो सुख अच्छा सुख है, मेरे लिए फायदा करेगा नहीं करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो लॉजिकल ब्रेन डिसाइड करेगा। ये भी समझना मुश्किल नहीं है। मानो हमें आइसक्रीम खाने का मन है लेकिन ठंडी बहुत है, तो अमिग्डाला कहेगा कि ठीक है आइसक्रीम खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लॉजिकल ब्रेन कहेगा नहीं, ये तो ठंडी का समय है, अगर मैंने आइसक्रीम खाया तो मेरा गला खराब हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगी, मुझे बुखार आ जाएगा, तो हम नहीं खाते। तो लॉजिकल ब्रेन वो बड़े भाई की तरह है जो छोटे भाई इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। अब क्या होता है जब हम पॉर्न देखते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, तो शरीर में डोपामीन बनता है। डोपामीन से हमें सुख की, प्लेजर की अनुभूति होती है। वो फिर जो छोटा भाई है, इमोशनल सेंटर जो है, वो अपने बड़े भाई प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कहता है कि मुझे और चाहिए, क्योंकि उससे उसको अच्छा लगता है। अब उससे उसके अंदर एक क्रेविंग पैदा होती है, और वो फिर से बड़ा भाई कभी कभी छोटे भाई की बात मान लेता है, और डोपामिन निकलता है उससे, और फिर ये साइकिल घूमती रहती है। और डोपामिन निकलेगा, उसको और प्लेजर मिलेगा, उसकी भूख और बढ़ेगी, और फिर वो और ज्यादा पॉन दिखेगा और डोपामिन निकलेगा। ये साइकिल रुकती क्यों नहीं है? कहीं पर लॉजिकल ब्रेन काम क्यों नहीं कर पाता है? वो क्यों अपने छोटे भाई की बात मानता रहता है? आप समझो, छोटा भाई जिद कर रहा है कि बड़े भाई को कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए ही चाहिए, चाहे वो खिलौना कितना डेंजरस है, नुकसान कर रहा है, लेकिन बड़ा भाई उसको दिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े भाई की कमजोरी हो गई है, बड़ा भाई सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, जो यहाँ पर लॉजिकल ब्रेन है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, इस फिगर में आप देखेंगे, ये है हमारा इमोशनल ब्रेन, छोटा भाई, और ये है हमारा लॉजिकल ब्रेन, बड़ा भाई। समय के साथ क्या होता है, जो पॉन होता है वो धीरे धीरे बड़े भाई को कमजोर कर देता है, और जो छोटा भाई है वो जैसा कहता है वैसा करता रहता है। एडिक्शन ओवरवेल्म्स
दिस वीकेंड सर्किट्स। तो एडिक्शन जो है उसमें धीरे धीरे जो लॉजिकल सेंटर है वो कमजोर होता है। इसका पूरा वैज्ञानिक प्रमाण है। ये माइक्रो लेवल पर स्टडीज में देखा कि जैसे जैसे डोपामिन बनता जाता है वो हमारे जीन्स में भी बदलाव लेकर आता है और शरीर में ऐसी प्रक्रिया पैदा करता है कि जो हमारा लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा, ये लॉजिक काम नहीं करेगा और एडिक्शन बढ़ता जाएगा, इमोशनल सेंटर हावी हो जाएगा लॉजिकल सेंटर पर। और इसीलिए फिर क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ ब्रेन में केवल सेक्स के विचार आएंगे, बाकी जो रचनात्मक प्रक्रियाएं हैं जैसे कि पढ़ाई करना, कुछ अच्छा क्रिएटिव लेख लिखना, कुछ अच्छा नई चीज बनाना, कोई नई चीज सीखना, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और इमोशनल सेंटर हावी हो जाएगा, लॉजिकल सेंटर पीछे रह जाएगा। अगर आपने इतना समझ लिया तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। अब हमें करना क्या है, उस लॉजिकल सेंटर को फिर से वापस जगाना है, बढ़ाना है, और इमोशनल सेंटर जो ज्यादा ही एक्टिव हो गया है, हाइपर एक्टिव हो गया है, उसको कम करना है। इसमें भी देखिए इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, ये ब्रेन का स्कैन है जो स्पेशल कैमरा से निकाला जाता है। ये ब्रेन का अग्रिम हिस्सा, आगे का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। आगे के हिस्से में लॉजिकल सेंटर होता है जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। हमने देखा जितना येलो होगा उतना वो अच्छा है और जितना ब्लू होगा उतना अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा जहर को ब्लू कलर से दिखाते हैं, शिव जी के गले में भी दिखाते हैं कि वो जो जहर है वो किस रंग का था, नीला हो जाता है, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आप देखो एक नॉर्मल ब्रेन है, इसमें येलो ज्यादा है, और ये पॉर्न एडिक्टेड ब्रेन है, इसमें ब्लू ज्यादा है। मतलब जो हमारा आगे का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो लॉजिकल ब्रेन है, वो कम हो गया। और ये रियल पिक्चर्स हैं पॉर्न एडिक्टेड किसी एक इंसान का, जिसका पॉर्न एडिक्शन था, उसके ब्रेन की पिक्चर ली गई तो उसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम पाया गया। आपके सामने बिल्कुल ये क्लियर है। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो है डिप्रेशन की। डिप्रेशन कैसे होता है, इसके ऊपर डॉक्टर डिएगो फिजिकली ने बहुत काम किया और उन्होंने बताया कि डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या है। उन्होंने देखा कि नॉन डिप्रेस्ड, जिनको डिप्रेशन नहीं है, उसमें सीरोटोनिन नॉर्मल मात्रा में निकलता है, अपितु जिसके अंदर डिप्रेशन है उसमें सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। कहने का मतलब सीरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है वो इस डायग्राम में हम समझेंगे। डिप्रेशन, जब हमारी सोचने की प्रक्रिया नेगेटिव हो जाती है, हम ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोच मतलब डर के विचार आना, चिंता के विचार आना, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये सारे नेगेटिव विचार हैं। उससे हमारे इमोशंस नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव इमोशंस मतलब गुस्सा आना, नेगेटिव इमोशंस मतलब डर में जीना, हमेशा एक अंदर से डर रहना, अब क्या हो जाएगा, किसी के सामने ठीक से बात नहीं कर पाना, हकलाना, ये भी एक नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स है। और इससे हुआ क्यों, क्योंकि सीरोटोनिन कम बना, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो ऐसे लोग जो चीज़ों में उनको मज़ा आता था, काम करने में अच्छा लगता था, वो करने में मज़ा नहीं आता, पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा, ऑफिस जाने में मन नहीं लगेगा, वो चुप रहेंगे, अपने में ही सीमित रहेंगे, कोई अच्छी बात भी बोलेगा उसको नेगेटिव तरीके से देखेंगे। तो ये लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। अब ये नेगेटिव थिंकिंग बनी क्यों, क्या कोई पैदाइश नेगेटिव थिंकिंग का होता है? आप छोटे बच्चे को देखो, उसके विचार कितने सुंदर होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, बड़े जब ऐसे हम होते हैं हमारी थिंकिंग नेगेटिव होती जाती है, बचपन में तो हम ऐसे नहीं थे। वो कारण होता है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। आज समाज में, टीवी में, कंप्यूटर में, मोबाइल में ज़्यादातर कैसी सूचना इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वो है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वायलेंस के
इंफॉर्मेशन, नेगेटिव का मतलब जो उत्तेजना पैदा करे, सेक्स लस्ट की जो इंफॉर्मेशन है, ये सारे नेगेटिव इंफॉर्मेशन में आते हैं। तो जैसी इंफॉर्मेशन हम सुनते देखते या पढ़ते हैं वो हमारी थॉट्स को बनाते हैं, हमारे विचारों का निर्माण करते हैं। बाहर की नेगेटिव इंफॉर्मेशन से हमारे विचार भी फिर नेगेटिव ही बनते हैं। नेगेटिव विचार बनेंगे, नेगेटिव इमोशंस, और उससे डिप्रेशन होगा। तो गलती आपकी भी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, प्रॉब्लम है कि बाहर की नेगेटिव इंफॉर्मेशन, बाहर की नेगेटिविटी हमारी थिंकिंग को नेगेटिव करती है, हमारे इमोशंस को नेगेटिव करती है। आप देखो, अभी कुछ दिन पहले हम जापान गए, जापान, वहां पर हमने एक बहुत अच्छी चीज देखी। वहां पर हमने देखा जो भारतीय थे वहां पर बहुत तरीके से सड़क पर चल रहे थे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस कर रहे थे, छिलके इधर उधर नहीं फेंक रहे थे, थूक नहीं रहे थे, जो वही भारतीय भारत में इधर उधर फेंक रहे हैं छिलके या थूक रहे हैं या सड़क कहीं पर भी पार कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? वही भारतीय यहाँ पर नियमों को तोड़ रहे हैं और जापान में पूरे नियमों को पालन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ रहा है। वहां सब लोगों को वो देखते हैं, सब अच्छे से वहां पर नियम का पालन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जैसे ही हम वातावरण में रहते हैं वैसे ही हमारी थिंकिंग बन जाती है और वैसे ही इमोशंस हमारे अंदर पैदा होते हैं। तो अगर हमें पीएमओ का एडिक्शन है तो वो हमारी गलती नहीं है। आप सभी अपने बचपन में देख सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा हमारे साथ हादसा हुआ, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आई जिससे हमारे कोई लत लगी। हम नहीं थे ऐसे, लेकिन हमारे किसी बड़े भाई ने, किसी चाचा ने, किसी दोस्त ने हमें वो गलत वीडियो दिखाया और बार बार देखने से हमारी थिंकिंग फिर वैसी हो गई। ऐसे ही डिप्रेशन, बाहर की नेगेटिविटी, मोबाइल में वायलेंस देखकर, रोना देखकर, गलत चीजों को देखकर हमारी थिंकिंग और इमोशंस भी वैसे बनते गए। अब करें क्या? वातावरण तो हम नहीं बदल सकते, क्या करें? एक राजा था, वो बात है 500 साल पहले की। उस समय जूते चप्पल नहीं होते थे, तो जब भी वो बाहर निकलता था जंगल में उसको बहुत कांटे चुभते थे। तो उसने कहा कि कोई ऐसा इलाज करो कि मुझे कांटे ना चुभे। तो किसी ने वहां पर गलीचा कालीन बिछा दिया, किसी ने वहां पर वो पेड़ों को, कांटों को साफ करवा दिया। लेकिन वो कहां तक पॉसिबल है? कहां तक आप अपने वातावरण को साफ करोगे? एक समझदार इंसान था, उसने खुद अपने जूते एक बनाए और फिर राजा को भेंट किए। तो जूते पहनने से क्या हुआ? सारा वातावरण का प्रभाव उससे चला गया। तो आप समझ रहे हैं, आगे और समझाएंगे इस कहानी का क्या मतलब है। अब जो दवाइयां होती हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स देते हैं जिनको एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, वो क्या करते हैं? सीरोटोनिन को बढ़ा देते हैं, सीरोटोनिन को आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं। अब आर्टिफिशियली जब तक बढ़ाया तो क्या होगा? डिप्रेशन की फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही सीरोटोनिन कम होगा, आपने दवाइयां छोड़ी, फिर से डिप्रेशन अटैक करेगा। हमें काम क्या करना है? नेगेटिव इंफॉर्मेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको बदलना है। जैसे अभी आपने सुना, उस राजा ने अपने जूते बनवा लिए, तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन, वातावरण को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन थॉट प्रोसेस को ब्रेन रिवायर से बदल सकते हैं। तो आपने इस चैनल को बाईपास कर दिया। अब बाहर की इंफॉर्मेशन कैसी भी हो, आपका थॉट प्रोसेस, सोचने की जो जो आपकी प्रक्रिया है, उसको आपने ब्रेन रिवायर से चेंज कर लिया, तो आगे अपने आप ही सीरोटोनिन बनेगा, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ब्रेन रिवायर क्या करता है? वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में बदल देता है, वो नेगेटिव वर्ड को डिलीट कर देता है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी आपको इतना तो समझ में आ गया है कि इमोशनल सेंटर और लॉजिकल ब्रेन क्या होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन भी काम नहीं करता है। ये भी डॉक्टर डिएगो ने ये सिद्धांत बताया हमें कि नेगेटिव इमोशंस किल लॉजिक। कहने का मतलब ये है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं, बहुत दुखी फील कर रहे होते हैं, तो आपको कोई सही बात समझाए भी, तो भी आप
उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। क्या कहते हैं? रूमिनेशन। रूमिनेशन का मतलब ये है कि आप लॉजिक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे जब आप ओवर इमोशनल होते हो। इसीलिए कितना आपको कोई शिक्षा दे दे, लेकिन जब आप डिप्रेस होते हो तो कहते हो सर मुझसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। वो इसीलिए होता है कि हमारे इमोशंस इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि वो लॉजिकल ब्रेन को भी काम नहीं करने देते, और इसको हम कहते हैं रूमिनेशन। और ये साइंटिस्ट ने भी देखा कि जब डिप्रेशन होता है, मतलब इमोशंस हमारे बहुत नेगेटिव होते हैं, तो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल ब्रेन है वहां पर भी काम नहीं होता है। तो ब्लड फ्लो, ब्लड आपको मालूम है खून जो होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो कम होना मतलब उसकी एक्टिविटी कम हो गई है। तो आपने देखा कैसे नेगेटिव इमोशंस हमें लॉजिकली सोचने नहीं देते। तो गलती फिर से हमारी नहीं है, आपकी नहीं है। लॉजिकल ब्रेन बेचारा क्या करे, डिप्रेशन ने उसको भी असर डाल दिया है। जब तक हम अपने डिप्रेशन को ठीक नहीं करेंगे, अपने नेगेटिव इमोशंस को ठीक नहीं करेंगे, नेगेटिविटी को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा लॉजिक भी काम नहीं करेगा। और एक बार आपने इमोशनल सेंटर को भी हेल्दी बना दिया तो लॉजिक अपने आप ही काम करेगा। इसीलिए जिनके इमोशंस कंट्रोल में होते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान भी होते हैं। और यही इसमें दिखाया कि कैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जब खराब होता है तो हमारे अंदर हमारे कंट्रोल करने की पावर खत्म हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, जजमेंट नहीं दे पाते, ठीक गलत की सही की परख नहीं कर पाते, हमारी मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाती हैं और अटेंशन नहीं रख पाते, हम चंचल हो जाते हैं, बुद्धिमानी कम हो जाती है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट ब्रेन होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब वही इसी सिद्धांत पर आएंगे, वो राजा के सिद्धांत पर। जब हम बाहर निकलते हैं पूरे दिन हमारे ऊपर पोल्यूशन का असर आता है, धूल मिट्टी का असर होता है, तो हम धूल मिट्टी को नहीं साफ करते हैं, हम अपने शरीर को साफ करते हैं। ऐसे ही जो बाहर की नेगेटिविटी है जो हमारे अंतर मन को असर कर रही है उसको हम कैसे साफ करते हैं, वो हम करते हैं ब्रेन रिवायर से। एक अभी मंथन का वीडियो आया था पीछे, वो बहुत अच्छा वीडियो लगा हमें, उसमें जिसमें बताया कि हमारे शरीर जो होते हैं केवल एक शरीर नहीं है, दो शरीर हैं। कैसे? एक है फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आप सबको वो वीडियो देखना चाहिए। हम मंथन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका लिंक जरूर पोस्ट करें चैट बॉक्स में, क्योंकि उस वीडियो को देखकर बहुत समझ में आएगा इनको। तो अभी तक हम जानते थे एक फिजिकल बॉडी है, लेकिन उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो हमारी आदतों का बना हुआ होता है। तो हम अपने स्थूल फिजिकल बॉडी को तो साफ करते हैं, लेकिन क्या हम अपने सूक्ष्म शरीर को साफ करते हैं? वो नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि एक सूक्ष्म शरीर जैसी चीज भी होती है। लेकिन वो वीडियो से आपकी आंखें खुल जाएंगी, और वो सूक्ष्म शरीर को साफ करने का तरीका है ब्रेन रिवायर। तो जितना ज्यादा पोल्यूशन उतना भारी आपको नहाना पड़ेगा, ऐसे ही जितनी बाहर की नेगेटिविटी उतना ज्यादा आपको ब्रेन रिवायर करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे समाज में हैं यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर सब कुछ लोग बहुत पॉजिटिव हैं, बाहर की कोई नेगेटिविटी नहीं है, ब्रेन रिवायर की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, चाहे वो नेगेटिविटी कामुक विचारों के रूप में हो, डिप्रेशन के रूप में हो, आपको ब्रेन रिवायर उतना ही ज्यादा करना होगा। ब्रेन रिवायर है क्या? ब्रेन रिवायर आपको किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो नेगेटिव कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, उस परिस्थिति में सही और पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने की पावर देता है। तो बाहर की नेगेटिविटी आपको असर नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है, क्या हमारे यहाँ पर नेगेटिव सिचुएशन नहीं होगी? क्या मंथन आपकी परिस्थितियां नेगेटिव नहीं होंगी? सबके यहाँ पर नेगेटिविटी है, लेकिन हमने सीख लिया है कि किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव और सही सोच कैसे क्रिएट की जाए ब्रेन रिवायर करके। और इसी को कहते हैं अपने थॉट्स को प्योरीफाई करना और हेल्दी इमोशंस को पैदा करना। बेनिफिट्स क्या हैं ब्रेन रिवायर के, इसमें आप देख सकते हैं, वो हमारे
थॉट्स को ही नहीं, हमारे फिजिकल बॉडी, क्योंकि जैसा मन होगा शरीर भी वैसा बनेगा, क्योंकि साइकोसोमैटिक डिजीजेस माना, जैसे मन से बीमारियां शुरू होती हैं वो हमारे शरीर पे असर डालती हैं। कई लोगों का हमारे पास ईमेल आता है या टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर हमें पेट की समस्या है, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं या आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं, हमारे दिल में धड़कनें बहुत तेज होती है, किडनी ठीक से काम नहीं करती, लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, पाचन शक्ति नहीं है, लेकिन हमने चेकअप करवाया, सब चेकअप नॉर्मल है, ऐसा क्यों है सर? उसका कारण है वो मन जब तक हेल्दी नहीं है शरीर भी हेल्दी नहीं हो सकता। तो मन से अगर हेल्दी है तो शरीर की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसमें कुछ बीमारियों के नाम जैसे आपको हम बताएं, IBS इंफ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, इंफ्लेमेटरी नहीं सॉरी, इसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें कारण कुछ नहीं है, आपका मन से शुरू होती है, जिनको हम साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो ब्रेन रिवायर के केवल मन पर ही नहीं, शरीर पर और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बहुत फर्क पड़ता है। ब्रेन रिवायर काम कैसे करता है समझने के लिए तो आपने मोटा मोटा समझना है, तो ब्रेन रिवायर आपके लॉजिकल सेंटर को फिर से जगा देता है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, और जो इमोशनल सेंटर है उसको कंट्रोल में ले आता है, इमोशंस नेगेटिव से पॉजिटिव बना देता है, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव बना देता है। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में अगर जानना चाहे तो ये 5 टेक्निक्स हैं जिससे ब्रेन रिवायर काम करता है। प्लेसिबो, आप इसमें एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है मोनालिसा की। मोनालिसा फेमस पेंटिंग है जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। इसकी खास बात क्या है? इस पिक्चर को देखकर अलग अलग लोगों के भी मन में अलग अलग इमोशंस पैदा होते हैं। किसी को लगता है कि शायद ये लड़की रो रही है, उसको रोने के इमोशंस पैदा होते हैं। किसी को लगता है कितनी खुश है, उसके चेहरे पर एक स्टेबिलिटी है। किसी को लगता है कि ये लड़की जो है कितनी अट्रैक्टिव है, उसको उसके अंदर एक लस्ट दिखाई देता है। ऐसा क्यों? पिक्चर एक है लेकिन इमोशंस अलग अलग पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे मन के अंदर भाव होते हैं वैसे ही हमें वो चीज दिखाई देती है। अगर हम हर चीज को देखकर एक पॉजिटिव रिस्पांस पैदा करें कर सकें, पिक्चर वही है लेकिन हमारा रिस्पांस हमेशा पॉजिटिव हो, उसको कहते हैं प्लेसिबो। आज के समाज में आपको मालूम है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि चीजें बहुत नेगेटिव है, लेकिन जो चीजें पॉजिटिव भी है उसको हम नेगेटिव देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़के ने हमें शेयर किया कि सर मैं मंदिर भी जाता हूँ, देवी देवताओं के चित्र देखता हूँ, तो उनको देखकर भी मेरे अंदर नेगेटिव या फिर कामुक विचार आते हैं। आप सोचो, देवी देवता तो कितने प्योर होते हैं, कितने ऊंचे होते हैं, उन्हें देखकर भी नेगेटिव विचार आते हैं। आपने देखा होगा एक बार हिंदू गॉड्स को, जो हिंदू देवी देवता हैं, उनको कैसे दिखाया जाता है कि आपके देवी देवता देखो कितने कामुक हैं, जगन्नाथ के टेंपल में ऐसे दिखाया वैसे दिखाया। वो क्या है? है तो देवी देवता, लेकिन हमारी सोच इतनी खराब है। तो सोच को ब्रेन रिवायर बदलता है, उसको पॉजिटिव बनाता है, जिसको प्लेसिबो कहते हैं। इसका साइंटिफिक बेसिस, एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, बीटा एड्रिनर्जिक सिंपैथेटिक सिस्टम को कम करता है, कॉर्टिसोल को कम करता है। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म और साइंस, अध्यात्म और साइंस अलग अलग चीज नहीं है। साइंस अपने तरीके से अध्यात्म को प्रूव करता है। सबसे बड़ी शक्ति स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? हर चीज को उसके सही परिप्रेक्ष्य में देखना, पॉजिटिव तरीके से देखना, वो अगर आपको आ गया है तो वो स्पिरिचुअलिटी है। योगी क्या करता है? योगी हर चीज को विटनेस करता है, हर चीज को एक पॉजिटिव समभाव से देखता है, वो स्पिरिचुअल होता है। और साइंस उस चीज को जब प्रूव कर देता है अपने तरीके से, तो वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन होता है, और वही हम आपको मंथन में सिखा रहे हैं। तो प्लेसिबो कैसे काम करता है, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट से शो कर चुका है साइंस,
कि प्लेसिबो ब्रेन में रिस्पॉन्स पैदा करता है, केवल एक आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। प्लेसिबो आपके विचारों को बदलकर आपके अंदर एक नया मोटिवेशन पैदा करता है, इमोशंस को पॉजिटिव लेकर आता है। और हमने देखा जब इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, इमोशनल सेंटर पॉजिटिव होता है, तो लॉजिकल सेंटर भी अच्छे से काम करता है। इसीलिए प्लेसिबो को डिप्रेशन, पेन और एडिक्शन में साइंस यूज करता है। दूसरा है, ब्रेन रिवायर काम करता है क्रिएटिव इमेजिनेशन के द्वारा। इसमें हम आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था जो साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने क्या कि एक बंदर को केला खिलाया। आपको सबको मालूम है कि बंदर को केला बहुत पसंद है, और ये भी मालूम है कि हम सबको बहुत क्या पसंद है, तो हम नाम नहीं लेते, आप समझ जाइए। तो उन्होंने देखा कि जब बंदर केला खाता है तो उसके ब्रेन में कुछ एरियाज एक्टिवेट होते हैं, वो एरियाज जहां से डोपामाइन निकलता है। अब उन्होंने क्या किया, दूसरे बंदर को एक केला दिया और एक बंदर को केवल उसको देखने को दिया कि सिर्फ आप देखो। तो उन्होंने क्या देखा, जो बंदर देख रहा था केला खाते हुए, उसके ब्रेन में भी वही एरियाज एक्टिवेट हुए। उसके ब्रेन में भी वही एरियाज एक्टिवेट हुए जो बंदर केला खा रहा था उसके ब्रेन में एक्टिवेट हो रहे थे। कहने का मतलब ये है, जब हम फिजिकली कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं लेकिन उसको सिर्फ या तो देख रहे हैं या सोच भी रहे हैं, तो भी ब्रेन में वही एरियाज एक्टिवेट होंगे। आप समझ रहे हैं, जैसे नोफैप, नोफैप में हम फिजिकली तो नहीं कर रहे हैं लेकिन सोच तो वही रहे हैं, ब्रेन में एरियाज तो वही एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वो करने जैसा ही है। इसीलिए नोफैप ज्यादा समय तक काम नहीं करता। जब तक हमने अपने विचारों को ही चेंज नहीं किया है वो काम नहीं होगा। इसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल। अब इससे नुकसान क्या है, जब तक आपके मन में विचार भी कामों की चल रहे हैं या नेगेटिव विचार ही चल रहे हैं, तब तक आपके ब्रेन में वही एरियाज डोपामिन वाले एक्टिवेट होंगे। इसको हम अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें, कैसे यूज करें इसको फायदे के लिए, वो ऐसे यूज कर सकते हैं, अगर आप अपने विचारों को चेंज कर लिया। जब हम ब्रेन रिवायर सुनते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव अच्छे विचार पैदा होते हैं। वो ना करते हुए भी जब हम इमेजिन करते हैं, मान लीजिए जैसे हमने इमेजिन किया कि आप एक ऐसे गार्डन में गए, वहाँ पर सुंदर फूल है, गुलाब के फूल है, चमेली के फूल है, बहुत अच्छी खुशबू है, तो वो इमेजिनेशन करना भी आपको वही ब्रेन के एरियाज एक्टिवेट करेगा जब आप रियल में उस गार्डन में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोच सोच के ही आप अपने सृष्टि बना सकते हैं, आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं। एक सोच से ही आपके ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप देखो उसकी इमेजिनेशन पावर कितनी अच्छी होती है और वो क्रिएटिव होती है। इमेजिनेशन का मतलब है ख्याल करना, सोचना। क्रिएटिव मतलब वो रचनात्मक हो। अभी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो हमारी डिस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन हो जाती है। डिस्ट्रक्टिव मतलब जिससे नुकसान हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारे लॉजिकल ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। हम गलत काम करते हैं तो आसपास जो लोग हैं वो भी दुखी होते हैं, तो डिस्ट्रक्शन हुआ। क्रिएटिव का मतलब है आपने कुछ रचनात्मक किया, कुछ अच्छा किया। अब वो इमेजिनेशन पावर डेवलप कैसे होगी, लॉजिकल ब्रेन तो डम हो गया है क्योंकि इमोशनल सेंटर ज्यादा हावी हो गया। वो ब्रेन रिवायर हमें फिर से एक नई क्रिएटिव इमेजिनेशन, जैसे छोटा बच्चा होता है आप उसके ख्याल सुनो कितने सुंदर ख्याल होते हैं, और आपको कोई कहे कि अच्छे ख्याल करो तो आप कहोगे मुझसे सोचा नहीं जाता अच्छा, तो वो ब्रेन रिवायर आपके अंदर वो पैदा करता है। और ये जब पैदा करता है तो हमारे ब्रेन में इमेजिनरी न्यूरॉन सिस्टम होते हैं जो क्रिएटिव इमेजिनेशन को बढ़ावा देते हैं, वो बढ़ते हैं ब्रेन रिवायर करने से। यहाँ पर हम देखेंगे हेब्स लॉ जो डोनाल्ड हेब ने दिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है। इसमें उन्होंने बताया कि ब्रेन न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, हमने पहले भी बताया था। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई चीज सोचते हैं या करते हैं तो हमारे ब्रेन में विद्युत तरंग पैदा होती है जो न्यूरॉन्स के आगे ट्रेवल करती है। तो जो चीज हम एक बार बार करेंगे न्यूरॉन्स में आपस में कनेक्शन बन जाता है, और जो चीज नहीं करेंगे वो कनेक्शन टूट जाता है। तो जैसे इसमें आप देखिए, एक चीज जो की गई वो इस पाथ से आगे गई, इस पाथ से नहीं गई, समय के साथ क्या हुआ, इस न्यूरॉन में और इस न्यूरॉन में कनेक्शन बन गया,
और इस न्यूरॉन में कनेक्शन टूट गया। तो ये खराब आदत का कनेक्शन है, ये अच्छी आदत का कनेक्शन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एडिक्शन इतना पक्का हो गया, कनेक्शन इतना पक्का हो गया कि हम चाह के भी इसको तोड़ नहीं सकते, और ये इतना टूट चुका है कि हम चाह के भी जोड़ नहीं सकते। एक पाथवे स्ट्रांग हो गया, एक वीक पाथवे हो गया। अब हमें जब इसको दोबारा से रीवायरिंग करना होगा, अच्छे वाले पाथवे को जोड़ना होगा और बुरे वाले पाथवे को काटना होगा। और वो संभव होगा जब बार बार हम अच्छे वाले पाथवे को बार बार करेंगे ब्रेन रीवायरिंग के द्वारा। तीसरा है पॉजिटिव एफर्मेशन। अभी आपने देखा होगा मंथन अब आपको बताते हैं कि सुबह उठ के ये संकल्प करो, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं वीर्यवान हूँ, मैं आरोग्यवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तो आपने कभी सोचा, आपने कभी पूछा कि सर बोलने से ऐसा मैं कैसे बन जाऊंगा, सिर्फ बोलने से मैं बन जाऊंगा ऐसा कैसे? उसके पीछे भी साइंस है। हमने जाना था जैसा हम सोचते हैं वो करने जैसा होता है। तो इसमें आप देखो, जब आप रेगुलर एक चीज बोलते हो, एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन अपने आप को देते हो, तो क्या होता है, जो पुराने वाले सर्किट होते हैं ब्रेन में वो लूज होते जाते हैं और नए सर्किट बनते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखो, इसको आपको एप्पल खाना है और बार बार एप्पल के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन वो एप्पल आपको पता नहीं था वो सड़ा हुआ था, वो खराब था, तो एप्पल के सर्किट स्ट्रांग हो जाते हैं। अब आपको एप्पल के सर्किट को लूज करके एक नया फ्रूट आपको खाना है, बनाना। आपने देखा कि बनाना मेरी सेहत के लिए अच्छा है तो मैं ये खाता हूँ, और वो आपने रोज प्रैक्टिस किया, उससे क्या होगा, बनाना का सर्किट स्ट्रांग हो जाएगा केवल वो चीज को मन में दोहराने से। केवल दोहराना ही काफी नहीं है, वो दोहराने के पीछे साइंस क्या होती है, वो एफर्मेशन पॉजिटिव होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए और पर्सनल होना चाहिए। तो वो एफर्मेशन की क्वालिटी कैसी है वो डिसाइड करता है कि वो कितना स्ट्रांग आपको ब्रेन को रिवायर करेगा। और वो ब्रेन रिवायर स्पेशली डिजाइन किया जाता है इस हिसाब से, ताकि वो पॉजिटिव एफर्मेशन आपको सीधा अंदर हिट करे, आपके ब्रेन में बदलाव लेकर आए। चेंजेस कैसे लेकर आता है, आप देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हिस्से हैं ब्रेन के जिसमें एक्टिवेशन होता है, और ब्रेन एफर्मेशन पॉजिटिव एफर्मेशन से ब्रेन रिवायरिंग होता है। इससे देखा गया स्टडीज में कि इससे हमारा स्ट्रेस लेवल तो कम होता ही है, हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, और जो हमारी क्रेविंग होती है, न केवल गलत आदतों की तरफ बल्कि खाने की तरफ भी, हम अच्छा खाने की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये पावर है पॉजिटिव एफर्मेशन की। जैसे इसमें आप देखिए, बच्चे जो हैं वो क्या क्या अपना एफर्मेशन से, संकल्प शक्ति से नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम जानेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशन पास्ट और फ्यूचर। एक होता है पास्ट पॉजिटिव एफर्मेशन, मानो आपने पास्ट में कोई गलती की, अब आप उस गलती को देखकर बार बार कि काश मैंने वो गलती नहीं की होती तो मैं ऐसे अच्छा हो जाता, मैंने ये गलती नहीं की होती तो आज मैं इतना होशियार होता। लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल होता है फ्यूचर एफर्मेशन। पास्ट को छोड़ दिया, फ्यूचर में आप एफर्मेशन कर रहे हैं, मतलब मैं ये गलती अब नहीं करूँगा, मैं फ्यूचर में ऐसे अच्छा बनूंगा, और वो विजुलाइज कर रहे हैं कि अच्छे बन रहे हैं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कई बारी बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, वो पास्ट के बारे में सोचते हैं कि काश मैं ऐसे नहीं करता तो मैं आज इतना होशियार होता। उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्या है, अब आपको फ्यूचर को विजुलाइज करना है कि मैं फ्यूचर में कैसा हूँ, मैं आरोग्यवान हूँ, मैं वीर्यवान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। ये फ्यूचर में आपको विजुलाइज करना है। इसकी डिटेल आगे मंथन अब और आपको जब ब्रेन रिवायर कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। चौथा है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, इन्होंने एक बहुत अच्छा सिद्धांत बताया रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जिसको हम मेडिकल प्रोफेशन में यूज भी किया जाता है किसी भी आदत को बदलने के लिए। उसमें देखा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा माइंड बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता है। स्ट्रेस एक नेगेटिव इमोशन है। आपने देखा जब इमोशनल सेंटर नेगेटिव होता है तो लॉजिकल ब्रेन को भी काम करने नहीं देता, तो हमें कोई अच्छी बात बताए हमें समझ नहीं आएगा। तो चलते फिरते आपने कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया,
इसमें बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन उस समय आप स्ट्रेस में हो, बहुत सारे काम है, तो वो आपने बात सुन तो ली लेकिन आपने वो बदलाव नहीं लाएगी क्योंकि आप स्ट्रेस में हो। बजाय जब आप रिलैक्स्ड होते हो तो आपके अंदर की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी कम होती है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स कम होते हैं, एंग्जाइटी कम होती है। उस समय में जब आप रिलैक्स होते हो तो आपके इमोशंस भी नेगेटिव स्ट्रेसफुल नहीं होते, आपका लॉजिकल ब्रेन जो है वो समझने की पावर उसकी बढ़ जाती है। और तब आप जब ब्रेन रिवायर करते हो तो फिर वो अंदर सीधा जाता है। तो ब्रेन रिवायर जब आप करेंगे, जैसे आपने भी किया भी कि अपने टेस्ट भी लिया था, तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स था, तो जो आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन क्रिएटिव इमेजिनेशन दिया जाता है वो आप समझ पाते हो, आपका ब्रेन रिवायर हो पाता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीके से ये ब्रेन रिवायर काम अलग अलग तरीके से ऐसे हमारे अंदर बदलाव लेकर आता है। पांचवा है म्यूजिकल हीलिंग। म्यूजिक आप जानते ही हैं, म्यूजिक से हम झूम भी उठते हैं, खुश भी हो जाते हैं, रो भी सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी आ सकती है, गुस्सा भी आ सकती है और भक्ति भी आ सकती है। म्यूजिक के अंदर वो पावर है क्योंकि उसके अंदर जो नोट्स होते हैं, वाइब्रेशन होता है, वो हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्सों को एकदम एक्टिवेट करता है और उस समय में जो हम सुनते हैं वो सीधा हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत असर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा, आप कोई ऐसा सैड सॉन्ग सुन लो, हेट सॉन्ग सुन लो, तो एकदम से आपके अंदर वैसे इमोशंस पैदा होते हैं। देशभक्ति का सॉन्ग सुन लो, देशभक्ति के लिए क्या कर ले क्या नहीं कर ले, आप देखो 26 जनवरी है आज, जब हम देशभक्ति का गीत सुनेंगे तो हमारे अंदर होता है कि देश के लिए हम क्या कर जाए, बाकी दिन तो ऐसी फीलिंग नहीं आती। तो ये म्यूजिक का कमाल है। इसको कुछ ऐसे म्यूजिक आप सुनते हैं जब कुछ ऐसे जो कामुक वृत्ति के होते हैं, जो हमारे अंदर लस्ट पैदा करते हैं, हम बहुत अच्छा लगता है हमें सुनने में क्योंकि वो डोपामाइन रिलीज करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो सुनने से आपके अंदर हो क्या रहा है? एक तरफ तो आप ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल चाहते हो और दूसरी तरफ वो कामुक गीत सुनने से, कामुक सॉन्ग सुनने से आपके अंदर वो इमोशंस पैदा हो रहे हैं। ऐसे वो जितनी ये इंडस्ट्री है, पॉर्न इंडस्ट्री है, वो उस तरह का म्यूजिक, चाहे वो सॉफ्ट पॉर्न कह सकते हैं आप, जितने भी वेब सीरीज हैं, उस तरह का म्यूजिक पैदा करके आपके अंदर वो लस्ट के इमोशंस पैदा करता है, या कुछ ऐसे सैड सॉन्ग्स है जो बहुत डिप्रेशन फीलिंग पैदा करता है। इस चीज को आपको समझना है। क्यों समझना है? अब आपके हाथ में चॉइस है कि मुझे क्या सुनना है। जब तक पता ही नहीं होगा, आप कैसे चॉइस करोगे कि मुझे क्या सुनना है? अब आपके पास चॉइस है। इसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हो? ब्रेन रिवायर में ऐसे म्यूजिक हैं जो आपके वाइब्रेशन को हायर अप ले जाते हैं, वो आपके वाइब्रेशन को पॉजिटिव बना देते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे म्यूजिक को सुने, ऐसे म्यूजिक को सुने जो हमारे अंदर की क्लींजिंग करे, प्योरिफिकेशन करे। प्योरिफिकेशन क्यों करें हम अपनी? क्योंकि उससे ही हम जो अपनी जिंदगी में चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो, हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए आपको मालूम है हॉस्पिटल्स में ओम चैंटिंग का म्यूजिक लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जो पेशेंट है और जो उसके रिश्तेदार है उनका माइंड रिलैक्स होता है, माइंड रिलैक्स होता है। जब माइंड रिलैक्स होता है तो ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो सकता है, मरीज को दर्द कम होता है। तो ऑपरेशन के बाद उसको ओम की ध्वनि सुनाई जाती है, ध्वनि से ही उसके अंदर उसका पेन कम होता है। अब आप देखो, सारे अध्यात्म में ओम की ध्वनि सुनना, मंत्र चैंटिंग करना सब किया जाता है। साइंस उस चीज को कैसे काम करती है उसको प्रूव करता है। तो कभी ये मत समझिएगा कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस अलग अलग चीज है, अध्यात्म और विज्ञान अलग अलग है। विज्ञान का मतलब है जो चीज है, जो सत्य है, उसको प्रूव करना कि वो काम कैसे करता है, वो विज्ञान है, वो विज्ञान है। तो हीलिंग अगर हमने अपने लॉजिकल ब्रेन की और इमोशनल ब्रेन की दोनों का बैलेंस कर दिया, लाइफ में हर चीज एक बैलेंस पे टिकी होती है। अभी 4 दिन पहले हम एक महाबलीपुरम जगह में गए, चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर दूर। तो वहां हमने देखा एक बहुत बड़ा पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर,
और वो ऐसे टिका हुआ है बैलेंस पर कि ऐसा लगता है कि अगर उसको थोड़ा सा धक्का दे दो तो वो पत्थर गिर जाएगा। लेकिन वहां पर हमें गाइड ने बताया कि 12 हाथियों ने उसको धक्का दिया फिर भी वो हिला नहीं सके। कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हो, लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल माइंड दोनों का बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि इमोशंस को आपको खत्म कर देना है, इमोशंस को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, लॉजिकल ब्रेन को ओवर एक्टिव नहीं करना है, दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, इमोशंस भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर लाइफ में बैलेंस है तो आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से जीते हैं। तो ये है पॉन ब्रेन, जो फंसा हुआ है गलत आदतों में, गलत सर्किटरी में। डोपामीन ने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल ब्रेन को बिल्कुल शट डाउन कर दिया है। और ये है ब्रेन रिवायर वाला ब्रेन, जिसमें सीरोटोनिन मेडिटेशन करके उसने अपने ब्रेन को फिर से तंदुरुस्त बना लिया है। कई लोग कहते हैं सर ये मेडिटेशन, ये स्पिरिचुअलिटी, ये तो बूढ़े लोगों के लिए, आप हमें कहाँ घुसा रहे हो, कहाँ फंसा रहे हो। ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी आपको सही तरीका सिखाता है जीने का। आप एक बात बताइए, बूढ़े होने के बाद जब आपने जिंदगी अपनी जी ली और उसके बाद आपको पता चले कि जीवन जीने का सही तरीका क्या था, तो आप रिग्रेट के अलावा आपके पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जिंदगी तो आप जी चुके हो। जिंदगी जीनी कैसे है वो आपको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म सिखाता है। ब्रेन रिवायर आपको सही राह पर लेकर आता है और फिर आप जिंदगी अपनी जियो, खूब ऐश करो, खूब मजे करो, लेकिन सही ढंग से करो। और वही आनंदा माइंड का कॉन्सेप्ट है, आप अपने जीवन में खूब आनंद लीजिए लेकिन सही ढंग से, और यही ब्रेन रिवायर है। तो आप खुद ही देखो, एक्सपीरियंस करो, ब्रेन रिवायर करो, बदलाव देखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।